गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। मैं हूँ इशिता। आज मैं आपके साथ अपनी वेडिंग एल्बम शेयर करना चाहती हूँ। और आपको ये मेरा लहंगा कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इस लहंगे की खास बात ये है, ये मुझे शादी से पहले ही एज अ गिफ्ट पे रिसीव हुआ था। मेरे ससुराल में लहंगा वहंगा नहीं चढ़ाया जाता है। हो सकता है उनका कोई रिचुअल्स हो जो नहीं चढ़ाते हैं, तो मुझे पहले ही मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट कर दिया था। ये है मेरे हस्बैंड एंड हमारी वेडिंग हुई है 5 मई 2011 को। ये देखिए, ये घोड़ी पर सवार हो गए हैं। एंड ये है मेरी मम्मी। मम्मी द्वारचार के लिए खड़ी हैं। हमारे यहाँ सासू माही आरती करती हैं, जो पहली आरती होती है, आरती टीका। और ये है मिलिए मेरे भाई से। ये देखिए, एक दूसरे को माला पहना रहे हैं। यहाँ ये लोग पान खिला रहे हैं। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ मेरे इन लॉज की फैमिली से। ये तीनों मेरी सिस्टर इन लॉ है एंड ये बीच में येलो लहंगे में सिस्टर इन लॉ की बेटी हैं। ये है हमारा वेन्यू, वेडिंग वेन्यू। एंड अब दुल्हन की एंट्री हो गई है। आप देख सकते हैं दुल्हन आ गई। आइए देखते हैं हमारे इन लॉज की फैमिली में कौन कौन आया है। ज़्यादा कोई नहीं आया था, मेरे से तीनों सिस्टर इन लॉज आई थी एंड उनकी बेटी आई थी। और अब दुल्हन की एंट्री आप लोग देख ही चुके हैं, के लिए रेडी हो चुके हैं। और हमारी जोड़ी आपको कैसे लगी ज़रूर कमेंट करिएगा। और ये देखिए, आपको हम मिलवाते हैं अपने फादर इन लॉ से। ये है मेरे फादर इन लॉ। को आगे मिलवाते हैं अपनी सिस्टर इन लॉ की फैमिली से। ये देखिए, मेरी सिस्टर इन लॉ है। और आइए चलिए, अब हम लोग सब लोग खाना खाते हैं। ये हम लोग एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं, आप लोग भी देख लीजिए। दुल्हन रेडी हो गई है फेरों के लिए। हमारे यहाँ फेरों पे पीली साड़ी पहनते हैं, शायद आप लोगों के घर भी पहन। यहाँ पर माँ पापा मेरा कन्यादान ले रहे हैं। कन्यादान की सारी रस्में बहुत अच्छे से निभाई जाती है। इस दिन पूरा दिन फास्ट रखा जाता है। पर आ गई है मेरी सिस्टर जो मेरी मांग भर रही हैं, फिर मेरी बुआ लोग मांग भर रही हैं, देन उसके बाद हस्बैंड मांग भर रहे हैं। और अभी आपको आगे यहाँ मेरी बुआ लोग बिछिया दबा रही हैं। बिछिया दिवाने पर बुआ लोगों को गिफ्ट मिलता है। ये देखिए, अब मंगलसूत्र की रस्म पूरी हो गई है। यहाँ विवाह संपन्न हो गया है, सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। ये वाली रस्म बहुत अच्छी लगती है। एंड देन आते हैं विदाई की बात करो तो दुल्हन की और ब्राइडल की आंखें तो बिल्कुल ही भर जाती हैं, कुछ कह नहीं सकते। चाहे वीडियो देखें चाहे उसकी फ़ोटोज़ देखें, वो पल ही बहुत अजीब होता है, जिस पल को आप बयां नहीं कर सकते शब्दों में। उस टाइम की फीलिंग ही बहुत अलग होती है। अपने परिवार से एक ब्राइडल दूसरी न्यू लाइफ में एंटर करती है, उसके लिए सब लोग बहुत बहुत उसको आशीर्वाद देते हैं।